के फिर फेंका वापस लो जनता का उत्पीड़न बंद करो बोल मुलायम हल्ला बोल महंगाई पर हल्ला बोल बेईमानों पर हल्ला बोल हल्ला बोल पेट्रोलियम पदार्थ का दाम वापस लो जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद बोल मुलायम हल्ला बोल महंगाई पे हल्ला बोल पेट्रोलियम पदार्थ का दाम वापस लो जाओ नारा लगाइए मुलायम हल्ला बोल समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष समाज शिक्षक सभा वाराणसी जी आज कहाँ पे और किस प्रकार से आप लोग विरोध किए? आज हम लोग मदरवा में शीतला घाट पे जिस तरह से सरकार संवेदनहीन हो करके और आए दिन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि कर रही, जिससे कि महिलाओं का घर गृहस्थी चलाना एक दुरूह कार्य हो गया है, जबकि देश पूरे संक्रमण काल से गुजरने के बाद इस समय जो है किसी तरह से जो है जीवन यापन करने के लिए लोग अपना तैयारी कर रहे थे, तब तक जो है सरकार अचानक से महंगाई डीजल के दाम में वृद्धि करके, पेट्रोल के दाम में वृद्धि करके और गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि करके लोगों की कमर तोड़ने का काम की है। सरकार की संवेदनहीनता है जिसका समाजवादी पार्टी घोर विरोध करती है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो महिलाओं को और आम जनमानस को कितना दिक्कत होगा? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गैस सिलेंडर के वृद्धि से घर में चूल्हा चौका बर्तन करना जो है मुश्किल हो गया महिलाओं के लिए, और घर की गृहस्थी का पूरा बजट बिगड़ चुका है, जिसके कारण आज समाजवादी पार्टी जो कि सदैव जनहित की लड़ाई लड़ती है, इसलिए आज हम समाजवादी लोग उतर करके और सरकार को चेताने का कार्य किए हैं कि अगर सरकार अविलंब पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्यों में वृद्धि वापस नहीं लेती है तो समाजवादी बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य और विवश होंगे। दामों में वृद्धि हो रही है और जिस तरीके की आंखें खुल चुकी हैं, जिस तरह सरकार उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों को मुफ्त में जो है गैस सिलेंडर बांटने का जो प्रलोभन दे रही थी, आज इतना दाम उसका बढ़ा दिया गया और सब्सिडी 13 रुपये सब्सिडी मिल रही, जिसके कारण कि वो गरीब जो है आज गैस भराने में अक्षम है और सिलेंडर हटा दिया गया, पुनः जो है लकड़ी और चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बाध्य और विवश है। तो सरकार की पूरी योजनाएं छलावा हैं, जनता को छलने वाली हैं, उज्ज्वला योजना भी उसमें से एक छलावा है जिसको कहते हैं जुमला, तो इनका हर कार्य ही जुमला है और ये सरकार ही पूरा जुमलावादी बन के रह गई है, इसलिए इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जनता मन बना चुकी है कि 22 में सरकार बदल करके और पुनः अपने लोकप्रिय और जनप्रिय सरकार और जनप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।